बॉलीवुड एक्टर और बीजेपी नेता परेश रावल मुश्किलों में घिर गए हैं। जी हां, हाल ही में परेश रावल ने बंगालियों पर टिप्पणी कर दी थी, जिसको लेकर उनकी मुसीबत बढ़ती जा रही है। खबरों के अनुसार वाम के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम ने इस मामले पर पुलिस को शिकायत की थी। मोहम्मद सलीम ने परेश रावल पर आरोप लगाया था कि उन्होंने गुजरात में बीजेपी की चुनावी रैली के दौरान बंगालियों के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया था, जिसके बाद परेश रावल के खिलाफ FIR दर्ज करा दी गई है। साथ ही परेश को पुलिस ने पूछताछ के लिए 12 दिसंबर को दोपहर 2 बजे तक कोलकाता के तलतला पुलिस थाने में पेश होने को कहा है। जानकारी के अनुसार परेश रावल पर पुलिस ने CRPC की धारा 41A के तहत नोटिस भेजा है। यहाँ हम आपको बता दें कि परेश रावल ने गुजरात के वलसाड में रैली को संबोधित किया था। उस दौरान उन्होंने महंगे हुए सिलेंडर को लेकर बात कही थी और उस पर सफाई देते देते उन्होंने कहा था कि गैस सिलेंडर महंगा है लेकिन ये सस्ता हो जाएगा, लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा। लेकिन क्या होगा जब रोहिंग्या मुस्लिम और बांग्लादेशी आपके आसपास रहने लगेंगे, जैसा कि दिल्ली में हो रहा है। अब आप गैस सिलेंडर का क्या करेंगे, बंगालियों के लिए मछली पकाएंगे। इस भाषण के बाद परेश रावल की काफी आलोचना हो रही है। हालांकि इसके बाद परेश रावल ने माफी भी मांगी है, साथ ही ये भी कहा है कि ये बयान बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के संदर्भ में था। अब देखना ये है कि ये मामला कहां जाकर रुकता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे एंटरटेनमेंट जगत से जुड़े सभी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा चैनल मीडिया दरबार एंटरटेनमेंट। धन्यवाद।